फिर भी आप उसके बारे में ख्याल रखिए जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें चांस है फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट कि इनको फैटी लिवर होगा ही होगा बिकॉज डायबिटीज़ इज़ ए सच अ मेटाबॉलिक स्टेट जहाँ पे बॉडी के कुछ ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं फैटी लिवर तो होगा ही होगा तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ज़रूर एक बार फैटी लिवर के बारे में सोचिए टेस्ट क्या करना कैसे कम टू दैट या डॉक्टर से मिलिए सिमिलरली अगर किसी का वेट ज़्यादा है ओबीस जैसे बी एम आई जिसको बोलते हैं हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट ज़्यादा है बी एम आई ज़्यादा है तो आपको फैटी लीवर के बारे में सोचना है या अगर आपको फैमिली में किसी को फैटी लेवर है तो यू हैव टू थिंक ऑफ फैटी लेवर या आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब अगर आपको बी पी है हाइपर टेंशन है हार्ट की बीमारी है कोर्नोनाट्री डिजीज़ है वेट ज़्यादा है शुगर्स डरेंज्ड है तो आपको दिस इज़ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो आपको सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट चांस है कि आपको फैटी लीवर होगा ही होगा कहने का मतलब है एक हाई रिस्क ग्रुप है इस ग्रुप में आपको सोचना ही सोचना है जो एक कॉमन आदमी है नॉर्मल आदमी जिसको कुछ भी नहीं है फिर भी फैटी लेवर हो सकता है उस ग्रुप में वी यूजली सजेस्ट अ बेसिक एल या अल्ट्रासाउंड करके देख लीजिए कुछ फैटी लेवर है या नहीं है बट अगेन एक पॉइंट हमें बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड भी हमें फैटी लेवर तो बताता है ग्रेड वन ग्रेड टू फाइव के बारे में नहीं बता पाता था अच्छा और जब तक सिरोसिस भी थोड़ा एडवांस नहीं होता वो hmm. भी नहीं बता पाता सो so, एक इंटरमीडिएट स्टेज है जहाँ पे आपका एल भी ठीक ठीक आएगा ऊंच नीच थोड़ा बहुत आएगा कि आप इग्नोर भी कर सकते हैं या कि कोई किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेगा यार ये तो मामूली सा है इसमें कुछ hmm. नहीं करना है दिस इज कॉमन सो यू वोंट एनी सिम्टम ऑल्सो योर एल एफ टी विल बी माइल्डली डरेंज्ड और मे बी नॉर्मल ऑल्सो योर अल्ट्रासाउंड विल से ग्रेट एंड ग्रेट टू फैटी लिवर बट अगेन बट स्टिल इफ़ यू फील कि जैसे वो हाई रिस्क वाला ग्रुप है या मरीज़ का वही डाइजेशन का वीकनेस कुछ वेग सिम्टम है तो वी एडवाइज अ टेस्ट विच इज़ नोन एज फाइब्रो स्कैन ओके सो स्कैन इज अ रिलेटिवली मीन्स कई सालों से पाँच आठ दस साल से तो है ही हमारे इंडिया में भी है और कई जगह अवेलेबल भी है और हमारे हॉस्पिटल में भी होता है सो फाइब्रोस्कैन इज अ सिंपल प्रोसीजर विच इज़ जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर वैसा ही है लेट के बाहर से मशीन घुमाई जाएगी वो हमें एक स्कोर देता है दैट स्कोर गिवज अस कि आपके लीवर में कितना फैट है उसको स्टेटोसिस बोलते हैं सो इट समथिंग वन एज कैप स्कोर और वो फाइब्रोसिस का लेवल देता है कि आपका एफ़ जीरो है एफ वन जैसे मैंने कहा एफ़ टू या सीरोसिस है सो समाइम्स और मे बी आज कल बिकॉज पीपल आर ऑसो अवेयर एंड सो वी यूजअली एडवाइज़ दिस फाइब्रोस्कैन टेस्ट पेशेंट को कि आप करा लीजिए सो दैट हमारा फैटी लेवर का पूरा क्लियर हो जाएगा फैट कितना है और कुछ डैमेज है कि नहीं है और आगे हमें क्या करना है सपोज समीज नाउ ग्रेड वन फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड में आया आपका कोई सिम्टम भी नहीं है आपका बॉडी वेट भी ज़्यादा नहीं है खान पान भी ठीक है अगर आपने फाइब्रोस्कैन कराया वो भी ठीक है दर इज नथिंग टू वरी फिर भी आप अपना एक्सरसाइज कीजिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए और जंक फूड ऑयली फ्राइड शुगरी फ्रूट इसको अवॉइड कीजिए तो आपका ग्रेड वन ये सब ठीक हो जाएगा सो एग्जैक्टली लाइक हमें लिवर की अब uh, जो चुपचाप होने वाली एक्टिविटी है हुँ. हमें उसको भी अनसुनी बातों को उसकी हमें खुद सुनना पड़ेगा <laughs> correct, कि यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट अ रेगुलर चेकअप डन एटलीस्ट बाकी फाइब्रो स्कैन और डॉक्टर

कुछ लोग तो ऐसे भी है बिकॉज टुडे इज फैटी लिवर बट एल्कोहल भी कई लोग लेते हैं सो माई सजेशन इज दैट इफ़ देर आर पीपल हु आर टेकिंग एल्कोहल फॉर मेनी ईयर्स एंड दे टेल मी सर हमारा तो खाना भी ठीक है भूख भी ठीक है सब ठीक लग रहा है तो वाई शुड वी स्टॉप यू नो द प्रॉब्लम इज दैट इट इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस लीवर में प्रोसेस हो रहा है बट वो काम कर रहा है तो उसके लिए भी उन ची, उन मरीजों के लिए भी नॉट मरीज दे आर एक्चुअली हेल्दी पीपल दे फील दे आर हेल्दी तो वी एडवाइज दम कि आप एक बार करा लीजिए फाइब्रो स्कैन एंड यू गेट टू नो आपके लिवर एंड बहुत सारे पेशेंट्स ने फिर वो रिपोर्ट देख के बंद भी किया है बिकॉज दे गेट ए वेकअप कॉल है तो डैमेज हो रहा है hmm. जो अभी तीन साल चार साल के बाद पता चलता है hmm. वो अभी पता चल रहा है और अभी रिवर्सिबल भी है रुक भी सकता है तो कई सारे लोग बंद भी करते हैं बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स